हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश। वेल, क्रिकेट हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा स्पोर्ट है और आईपीएल की जब बात आती है तो इट्स फेवरेट फॉर एवरीबॉडी। लेकिन महंगाई किसको नहीं छोड़ रही। अब महंगाई ने अपना अगला ख़त्म डाल दिया आईपीएल पर, जहां आईपीएल एक ऐसा लीग है जो वर्ल्ड फेमस है और हर कंट्री आईपीएल को फॉलो करती है बिकॉज इट्स लुक्रेटिव ब्रांडिंग। कॉस्ट इन्वॉल्व जो होता है इसके अंदर, इसको लेकर आईपीएल हर चीज़ को, हर प्लेयर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस बार आईपीएल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं जिसको लेकर फ्रेंचाइजी बड़े परेशान हैं। जी हाँ, आईपीएल का जो अब मेन जो ट्रॉफी अमाउंट जो होता है, मेन जो फाइनल प्राइस होता है, हर साल वो रहता था 20 करोड़, यानी 2019 में 20 करोड़ था, लेकिन इस बार उसका प्राइस हो चुका है 10 करोड़ रुपये, यानी बिल्कुल 50% रिडक्शन हो चुका है आईपीएल के फाइनल विनर को। साथ साथ ये एक ही नहीं बल्कि दूसरे मामलों में भी कई सारे कटौती हो चुकी हैं। जो फेमस इनॉग्रेशन जो होता है, जो लॉन्च होता है, जो काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स आप देखते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो भी बिल्कुल बंद। यानी भाई आईपीएल, बीसीसीआई आईपीएल का इनॉग्रेशन भी नहीं करने वाली है क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जीडीपी नीचे आ चुका है, तो इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आईपीएल में पड़ चुका है। इसके चलते फ्रेंचाइजी ने अपने आशंका बताई और डिबेट चालू हो चुका है कि भाई इस तरह से अगर आप करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ें आपके साथ किए हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अब आप अपनी बातों से पलटते जा रहे हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट हमारी ये है कि जो ग्राउंड जब मैच होता है, एग्जाम्पल समझिए हैदराबाद सनराइज़र्स का मैच होता है, तो हैदराबाद सनराइज़र्स बोर्ड को यानी अपने स्टेट को पैसे देना होते हैं। हर साल हर मैच को वो 25 लाख रुपीज़ देते थे, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने डिमांड करी है 50 लाख रुपीज़। यानी एक तो आप पहले प्राइस अमाउंट काट दिए हैं, इनॉग्रेशन काट दिए हैं, और जब भी आपकी टीम मैच खेलेगी हर बार आपको 25 लाख रुपए देना था, इस बार आपको देना है 50 लाख रुपए। इसको लेके भी फ्रेंचाइजी काफ़ी परेशान है, जो कि जिसे इसे कहते हैं वेन्यू एग्रीमेंट बोलते हैं इसे, जहां पर फ्रेंचाइजी को रेवेन्यू आता है टिकट से। अब आप 25 की जगह 50 लाख रुपये लगेंगे तो फ्रेंचाइजी कमाएगा क्या, ये भी एक बड़ा डिबेट चल रहा है फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई के बीच में। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ऑटो नो बॉल, जो कि एक नया काम आ चुका था क्रिकेटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो अब लागू हो सकता है। ऑटो नो बॉल आपको अगर सिंपल वे में बता दूं, अंपायर जब भी खड़ा रहता है सेंटर पे तो उसकी नज़र नीचे रहती है, पहले नो बॉल की तरफ, उसके बाद नीचे देखिए वो ऊपर दिखता है, तो इसमें ह्यूमन एरर होने के चांस ज़्यादा है। तो सारा काम अब जाकर दिया गया है थर्ड अंपायर को। थर्ड अंपायर के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं ही, वैसे हर आउट और नॉट आउट को थर्ड अंपायर नो बॉल देखता ही है, तो नो बॉल का सारा काम अब थर्ड अंपायर करेगा। यानी कि अंपायर अब सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन को देखते रहेगा और अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन बैट्समैन पर देखेगा। ये एक ट्रायल बेसिस पे आईसीसी ने शुरू किया है, आईपीएल भी इसे अडॉप्ट कर रहा है। कॉस्ट कटिंग की अगर बात करें तो बीसीसीआई ने फिर ट्रैवल पॉलिसीज के पर भी थोड़े रोक लगाए हैं। पहले अगर ट्रैवल डिस्टेंस 3 घंटे के ऊपर होता था तो एम्प्लॉयज़ को, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें बिजनेस टिकट दी जाती है, लेकिन अब नहीं। कॉस्ट कटिंग चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, अब आप सबको जाना होगा इकोनॉमिक क्लास के अंदर ही। तो ये भी एक कॉस्ट कटिंग बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस की है इस बार की आईपीएल 2020 के अंदर, जिसको लेकर भी अब काफ़ी सारे एलिगेशंस, काफ़ी सारे डिबेट चल रहे हैं बीसीसीआई और फ्रेंचाइज के बीच में। अगर मार्केट वैल्यू की अगर बात करें, आईपीएल की अगर बात करें, जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट के हैं वो बिल्कुल आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इज 47,500 करोड़। इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है आईपीएल की। लेकिन आई थिंक इस बार का जो आईपीएल होने वाला है उसके अंदर इतने कॉस्ट कटिंग चलेंगे, इतनी ब्रांडिंग के ऊपर अगर होगा, स्पॉन्सर्स कम नज़र आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज इस बार नज़र आएगा आईपीएल 2020 के अंदर। तो हमने तो हमारी रिपोर्ट आपको सुना दी है, देखना होगा कि आईपीएल शुरू होगा तो किस लेवल पर शुरू होगा, किस तरह से लोग पसंद करेंगे, इसे टीआरपी क्या चलेगी, कितना स्पॉन्सर्स अर्न करेंगे, कितने मैचेस कितने क्लोज जाएंगे, सारी चीज़ें बचेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि गो हैश आपको इकोनॉमिक के साथ साथ स्पोर्ट के साथ साथ कोरोना वायरस और हर तरह की अपडेट आपको देता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और लाइक करें फेसबुक पे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।